जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी रूपी बगीचे में कर्म वो बीज है जिससे मेरे निजी जीवन के फल और फूल की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। अर्थात मेरे कर्मों में ही मेरा संसार बसा है, मेरे कर्मों से ही मेरे संसार का सृजन होता है। ओम शांति। मैं हृदयांका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही शो जिंदगी बने आसान में। आज के शो पर हमने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, एक प्रेरणादायक पर्सनालिटी को इनवाइट किया है, बीके राम प्रकाश सिंगल जी, जो कि 44 ईयर से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ को लीड भी कर रहे हैं और लोगों तक आध्यात्मिकता का वो रस भी पहुंचा रही हैं। और एक 2009 में इन्होंने बहुत सुंदर सी एक चीज़ शुरू करी थी जिसका नाम है 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। वो भी फॉरेन कंट्रीज में शुरू की थी, सबसे पहले USA के अंदर। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना तो मैंने उसमें ये चीज नोट करी कि यंग एज में आपका झुकाव जो था वो स्पिरिचुअलिटी की ओर हो गया था, एंड आई थिंक यू बिलोंग टू अ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो एक सिविल इंजीनियर होने के नाते, एक यंग जब एक बच्चा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे डिजायर्स होते हैं कि मैं लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ, प्रॉपर्टी बनाऊँ, बैंक बैलेंस करूँ, या यू नो मे बी आई वॉन्ट टू हैव माई ओन गुड कार। एंड आपने न्यूयॉर्क में एक आई थिंक आप कंसल्टिंग फर्म भी एक रन करते हैं। यंग एज के अंदर जहाँ पर एक बहुत यूथ और एनर्जी होती है, उस एज में आपका आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव कैसे हुआ? वास्तव में कई बार हम सोचते हैं कि हमको अपने आप के बारे में पता होता है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसे अनुभव हुए जो मैंने लाइफ को लीड किया, लगता है कि हमको अपने बारे में इतनी समझ नहीं है जितना हम समझते हैं। मैं कभी इमेजिन नहीं करता था कि मैं कभी स्पिरिचुअल बनूंगा। छोटे होते थे तभी हम रिलीजियस स्पिरिचुअल होते थे, लेकिन 8वीं 10वीं कक्षा के बाद जैसे धीरे धीरे झुकाव दूसरी तरफ जा रहा था और अंदर से जैसे एथियस्ट होते हैं ना, ऐसा भी बनना शुरू कर दिया था। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट लेते थे, साइंस पढ़ते थे, डार्विन थ्योरी पढ़ते थे, उसमें कहीं भी भगवान का जो स्पिरिचुअलिटी की उन दिनों में खासकर इतने उसकी कोई महत्ता नहीं होती थी। और कॉलेज में जाकर भी, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैं थोड़ा बिगड़ भी गया, सारी बुरी आदतें भी पड़ गईं। हम अग्रवाल समाज से हैं, हमारे घर में कभी प्याज भी नहीं पहले आता था, बाद में प्याज आता था, लेकिन हमने सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, नॉन वेजिटेरियन, ये सब चीज़ें करते थे। और कॉलेज में भी शरारती भी थे, लेकिन बहुत बार हम शरारत करते थे, लेकिन जब मैं अकेले में बैठा होता था, मुझे पता था, मेरा भाई अमेरिका में रहता था उस समय भी, कि मैं बड़ा होकर जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, गाड़ी होगी, घर होगा, सब कुछ। लेकिन मैंने जीवन में ये भी नोट किया था कि जब एक समय हमारी घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, साइकिल नहीं होता था, तो साइकिल मिल गया तो लगा कि जैसे जन्नत मिल गई, लेकिन थोड़े समय के बाद वो कॉमन सा हो गया। फिर कहते हैं स्कूटर हो तो स्कूटर की बहुत अंदर में तमन्ना होती थी, स्कूटर मिल गया तो थोड़े समय वो भी। फिर कहते हैं गाड़ियों में घूमना, मेरे को गाड़ियों में घूमने का भी मौका मिलने लगा, मेरी जॉब ऐसी थी, लेकिन थोड़े समय वो भी नॉर्मल सा लगता। तभी मेरे को लगता कि हम जितना भी अपने जीवन में अचीव करते हैं, थोड़े समय के बाद उसका रस खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली क्वेश्चन हमेशा होता है, देन व्हाट, सो व्हाट। अकेला मैं जब लेटा होता, कोई बैठा होता क्वाइट में, मैं कहता हूँ ये मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग मोर टू लाइफ। मींस आपका मटेरियलिज्म आपके पास होते हुए भी
आपको वो जो इंटरनल सैटिस्फैक्शन था वो कहीं ना कहीं उन मटेरियल अचीवमेंट से नहीं मिल पाता। मेरे को ऐसा लगता था देयर इज मोर टू लाइफ। ओके, जो मेरे अनुभव से कि ये सब कुछ भी होने के बाद फिर क्वेश्चन ही होता है फिर क्या होगा। कई बार हम अपने जीवन में एक गोल बनाते हैं, अचीव करने के लिए कहते हैं दिस इज माई ड्रीम, लेकिन जब वो गोल अचीव हो जाता है जैसे लगता है कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। थोड़ा लगेगा एक्साइटमेंट उस समय, लेकिन फिर बाद में बड़ा नॉर्मल सा लगता है, जैसे मतलब कोई कुछ ना, बस इतना ही था, कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ऐसा मैं देखता था। जैसे मैंने अपना फाइनल ईयर्स का एग्जाम दिया, घर में मैं फ्री था, उस समय ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे घर में आकर रही, हमारे एक बुआ जी थे वो इसमें चलते थे, मैं उनसे बहुत नाराज होता था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था उनका बोलना करना। और अचानक क्या हुआ कि मैंने देखा कि उन्होंने एग्जीबिशन लगाई ब्रह्मा कुमारीज ने, और उनको कोई जगह नहीं मिली लोगों को अपना नॉलेज देने के लिए, तो हमारे बुआ ने कहा कि आप हमारे घर में आकर 2-3 महीना रहो, तो उसके बाद फिर अपना स्थान ढूंढ लेना। और मेरे को बुलाकर उन्होंने कहा ये आपके गेस्ट हैं, आप इनकी मदद करेंगे, तो देखो मैं पसंद करूँ ना करूँ, ये तो हमारे भारत की एक कल्चर है ना कि कोई भी बड़ा होता है उसकी रिस्पेक्ट करना, उनकी मदद करना। मैं इनको कहा कि मैं वो मदद करूंगा, लेकिन मैंने उसको कह दिया बुआ को, इनको कह देना मेरे को नॉलेज बिल्कुल ना सुनाए, अगर सुनाएंगे तो मैं फिर मेरे को देखेंगे नहीं। मैं उनको क्लियर कर दिया, मेरे को पसंद नहीं आता था ये स्पिरिचुअलिटी की चीजें। लेकिन जब मैंने उनको नजदीक से देखा, घर में रहती थी, अच्छे परिवार से हैं, बहुत सिंपल खाना खाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, पर चेहरे पर बड़ी एक नेचुरल सी मुस्कान, इनोसेंट स्माइल होती ना, मेरे को लगता था ये ना सच्ची खुशी की निशानी है, तो इनको कुछ ना कुछ तो मिलता इसका, और ये चीज आई थिंक आपकी लाइफ में मिसिंग थी। तो उस समय मेरे को ये लगता था कि दूसरे बनावटी मेरे को हंसी या कोई बड़े बड़े साधु महात्मा भी, कई बार मेरे को लगता था कि उनके अपने पर्सनल लाइफ में मेरे को वो चीज दिखाई नहीं देती थी जो वो प्रीच करते थे, तो इसलिए मैं दूर भागता था उनसे। पर जो उनके चेहरे पर देखा, सिंपल बातें करते हैं लेकिन कितना उनके अंदर में रुहाब भी है और परिवार की तरह है। इस कारण से उन्होंने कहा कि हम आपको जो देते हैं अंडरस्टैंडिंग, हम आपको पकड़ के तो नहीं बिठाएंगे, आप इंजीनियर हो, आप तो पूरे फ्रीडम वाले हो, आपको कोई बिठा तो नहीं सकता, नहीं पसंद आए तो छोड़ देना। तो मेरे को वो बात अच्छी लगी कि हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में क्या हर्जा है, तो तब मैंने इसको लेना शुरू कर दिया। स्पिरिचुअल नॉलेज की कोई एक ऐसी पॉइंट जो आपको पर्सनली बहुत पसंद आई और आपने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, क्योंकि एक यंग एज के अंदर तो यू आर ऑलवेज डिजायरस ऑफ हैविंग मोर। हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, हम इंजीनियर कॉलेज में पढ़ते थे, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, जैसे कैनेडी का असैसिनेशन हुआ, उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया, उसका नाम है जीन डिक्सन, फेमस साइकोलॉजिस्ट है वहां की, एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो उन्होंने एक प्रिडिक्शन ये की थी, ओवर द टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडिया विल बी मोस्ट प्रॉस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमको लगता था भारत पिछड़ा हुआ है, फिर कहते माताएं करने आगे आएंगी, वो भी हमको थोड़ा लगता कि उस समय कहते थे ना हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है तो वो माताएं कन्याएं करवाती हैं, ऐसा सोचते थे। लेकिन जब मैं यहाँ आकर जब वो सुना तो मेरे को वो पुरानी चीजें याद आने लगी, क्योंकि ये भी कहते थे पुरानी दुनिया नई होने वाली है, कलयुग सतयुग बनने वाला है, हम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। तो मेरे को थोड़ी हंसी भी आती थी, लेकिन मेरे को लगा कि 1% 0.5% Maybe there is a possibility. तो मैंने उस ढंग से देखा, लेकिन फिर मेरे को फील कैसे हुआ कि वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आप अनुभव करना चाहते हो ना तो पूरी धारणाओं पर चलो। तो मैंने उनको बताया मैं तो सिगरेट पीता हूँ, ड्रिंक करता हूँ। उन्होंने कहा हिम्मत करो, भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते में मेरा सब कुछ छूट गया। जो बहुत टाइम से कुछ एडिक्टिव हैबिट्स आज भी अगर किसी की चलती हैं तो इतनी जल्दी तो छोड़ नहीं सकते, चाहे वो उनका नॉलेज ठीक है नहीं है कैसा है, कुछ आइडिया नहीं। कम से कम मेरे को तो फायदा हुआ। हम हमेशा देखते हैं किसी चीज का मॉडल बनता है, बाद में वो सक्सेसफुल होता है तो प्रोटोटाइप बनता है, प्रोसेस है। अगर मैं इतना बदल सकता हूँ तो इतना भी बदल सकता हूँ, इतना भी बदल सकता हूँ, इतना भी बदल सकता हूँ, ऐसे करते करते इतना भी बच सकते हैं,
तब मेरे को लगा हो सकता है कि मनुष्य से देवता बनना पॉसिबिलिटी है। और मेरे को क्लैरिटी क्या मिली, देवता कोई ऐसे नहीं कोई आकाश में रहते हैं, लेकिन जमीन पर ही लिविंग डेइटीज, वो क्या है, जब हमारे में दिव्य गुण होते हैं तो वो देवता कहलाते हैं। तो उससे फिर मेरे को लगा कि दिव्य गुण किस प्रकार के होते हैं, फिर मैंने उनको स्टडी करना शुरू किया। मेरे गुणों में, गुण सभी में है, लेकिन हमने देखा है एक गुण के साथ मनुष्यों में कई तरह की वीकनेसेस भी साथ साथ अटैच होती है। एक क्वालिटी होती है, एक दो उसकी क्वालिटीज के साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो दिव्यता नहीं होती है गुणों। जैसे हम सच बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं ऐसे पत्थर की तरह लगाते हैं किसी को, तभी कहते हैं सच कड़वा है। एक तरफ कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, दूसरी तरफ कहते हैं कि ट्रुथ इज बिटर, तो बिटर क्यों है, स्वीट क्यों नहीं है। तो मैंने उस तरह से इसके ऊपर ख्याल करना शुरू किया, तब मेरे को एहसास हुआ वास्तव में सच्चाई से लोग क्यों डरते हैं। लोगों को भय है मनुष्य पता नहीं कैसे बोल देगा, गुस्से से बोलेगा, एरोगेंस से बोलेगा, कई बार तो बदला लेने के लिए भी सच्चा बोलते हैं, फिर कहते हैं आई डोंट केयर, आप जो फील करो मैं तो सच्चा बोलूंगा। पर मेरे को लगता था कितना दूसरे को दुख मिलता है 20 जनों के सामने किसी का, ऐसा जब उनका बड़ा क्रिटिकल सा समय होता है, सेंसिटिविटी होती है, उनका आप पर्दाफाश कर। का मतलब ये हुआ कि स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली जो कर्मों को चेंज करने का जो एक माइंडसेट था वो आप में कहीं ना कहीं फीड था। इसी से रिलेटेड ये बात है कि हम ये मानते हैं ऐसा, हर कोई, गीता में भी ये बात लिखी है कि स्पिरिचुअलिटी में कर्मों की बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड दैट टू राइटियस कर्म, नैतिक कर्म, नेक कर्म, ठीक है। लेकिन आजकल की मान्यता ये भी है कि नेकी कर कुएं में डाल। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी में कर्मों की क्या इंपॉर्टेंस है। मेरे को वास्तव में, मैंने गीता वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ी, और मैंने जब एक बार पढ़ा, कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा दिस इज लैंड ऑफ एक्शन, तेरे को ये बंजर भूमि को स्वर्ग बनाना है, तेरे को ये करना है, तो मेरे को वो चीज अच्छी लगती थी। पहले कहते थे भगवान सब कुछ करता है, लेकिन क्लैरिटी क्या मिलती, भगवान करता है लेकिन हम मनुष्य आत्माओं की मदद लेकर, उसको करण करावन हार कहते हैं, माना वो करता है लेकिन हमको इंस्पायर करता है अच्छे कर्म करने में, परमात्मा हमको अंडरस्टैंडिंग देता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, फिर उसकी शक्ति हमको देता है उस कार्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मेरे को ये चीज ना इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना सिस्टेमेटिक लगने लगी। तो तभी मैंने ये भी नोट किया कि एक तरफ सच्चाई के साथ कहते मैं सच्चा हूँ बहुत दुखी हूँ, और दूसरी तरफ फिर मेरे को लगने लगा वास्तव में अगर किसी ने गलती की मुझे पता है इसको सुधारना है, लेकिन अगर मैं उसको उसी समय बोलूंगा तो वो नाराज होगा, मैं उस समय शांत रहूं, फिर मैं उसको ट्रस्ट में लूं, उनको प्यार करना नहीं छोड़ूं, फिर जब वो ठीक मूड में है और बहुत नपे तुले शब्दों में शांति से प्यार से उनको थोड़े से शब्दों में बोल। लेकिन राइट कर्म करने के लिए भी आप बहुत सारी शक्ति, पावर, दृढ़ संकल्प, विलिंगनेस चाहिए। पर आजकल के टाइम में ये ज्यादातर देखा जाता है, चाहे वो बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, यंग एज में हो, एडोलेसेंट में हो, या एक वृद्ध अवस्था की ओर हो, पावर नहीं है, जानते हैं कि ये राइट है ये रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो कहीं ना कहीं शुरू से सिखा देते हैं बच्चों को स्कूल में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल। तो आपका हर कर्म एक नेक होना चाहिए, हर कर्म में हेल्प होनी चाहिए किसी ना किसी की, आपके हर कर्म से किसी ना किसी को कुछ अच्छा पॉजिटिव मिलना चाहिए। लेकिन ये जानते हुए भी कि क्या राइट कर्म है क्या रॉन्ग कर्म है, अच्छे कर्म को करने की पावर की जब हम बात करते हैं वो पावर यूजुअली मिसिंग है। तो वो पावर अपने जीवन में कैसे लाई। अंडरस्टैंडिंग मेरे को हुई कि ये शरीर है, मैं आत्मा हूँ, आई एम जीवात्मा। तो जैसे शरीर के माँ बाप हैं, उनका डीएनए हमारे शरीर में होता है, आंखें मिलती हैं या चलना फिरना मिलता है, चेहरा मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसे अगर हमको यकीन है परमात्मा हमारा माता पिता है, फिर कहते हैं हम अपने आप को आत्मा कहते हैं, भगवान को हम क्या कहते हैं, परमात्मा। तो वास्तव में परमात्मा माना परम आत्मा, माना भगवान भी आत्मा है लेकिन परम।
तो माना परम, माना सुप्रीम, जो कहते हैं एवर प्योर, एवर हैप्पी, एवर गिविंग लव। तो अगर मैं यकीन करता हूँ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो इस नाते से मैं आत्मा, मेरे में परमात्मा का डीएनए है। तो परमात्मा को कहते हैं ना ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पावर। गॉड इज ओशन ऑफ पावर, बट इज माई डीएनए। आई एम आल्सो इमेज ऑफ पावर, आई एम आल्सो इमेज ऑफ लव। तो मेरे को ना उस चीज की जब क्लैरिटी मिली ना, आई कैरी गॉड्स डीएनए, बड़ा मेरे को नशा चढ़ता था। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू राइटली सेड कि आई कैरी गॉड्स डीएनए। मींस क्योंकि हम प्रेयर्स में तो गाते हैं कि तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे, बट वास्तव में मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है, कि ये सिर्फ गाने तक है, सुनने तक है, जीवन में कहीं किसी ने अनुभव ये बात को किया नहीं है कि सच में मैं आत्मा, जैसे कि आपने कहा अगर मैं सोल हूँ तो गॉड इज माई फादर एंड माई मदर। तो ये एक्सपीरियंस कैसे अनुभव किया जा सकता है, और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर कैसे हम अपने कर्मों को सुधार कर सकते। मैंने यही नोट किया कि जब मेरे को फीलिंग आनी शुरू हो गई ना कि भगवान और भगवान का बच्चा, जिसको हम कहते हैं ही इज इन्फिनिटी, बीइंग ए चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम पोटेंशियल इन्फिनिटी। माना जब हम कहते हैं ना भगवान के समान बनना, बाप चाहता है ना उसका बच्चा उससे भी आगे निकल जाए। कोई बाप कहेगा अपने बच्चे को आप मेरे पाँव में पड़े रहो, आप मेरे चरणों की धूल हो? हम कहते हैं ना, मेरे को उन चीज़ों से अच्छा नहीं लगता था, पर जब ये क्लैरिटी मिली कि वास्तव में कौन मदर फादर कहेगा कि तुम मेरे पाँव की डस्ट हो, तुम मेरी आँखों के तारे हो, उसको गले मिलाएगा, तो मेरे को वो चीज़ टच हुई। भगवान भी हमको कहते हैं तुम मेरे बिछड़े हुए बच्चे हो, और भूल गए थे, गुम हो गए थे, अब भी मैं आकर अडॉप्ट तेरे को करता हूँ। तो जो मेरा डीएनए है ना, वो जैसे ना एक मैंने अवेकन कर दिया, उसको ट्रिगर कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, क्योंकि हमको समझ मिली ना मैं आत्मा हूँ, अभी तक क्या कहते थे मेरी आत्मा, लेकिन अभी समझ मिली मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, तो मैं आत्मा परमात्मा की संतान। जब जैसे ये फील करते हैं हमारा वो डीएनए अवेकन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको लगेगा वो अवेकन करना ना, वही मेडिटेशन है वास्तव। बहुत ही सुंदर आपने मुझे आज ये बात बताई कि आत्मा में गॉड का डीएनए है, एंड वी रिजेंबल गॉड, एंड दिस आई थिंक एक्चुअली मींस कि अगर मैं सोल हूँ तो मेरे अंदर जो शक्तियां हैं या जो वास्तविक गुण हैं वो भगवान जैसे हैं। ये आई थिंक एक अपने आप में बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों में कुछ ना कुछ बदलाव तो ला ही सकते हैं। एकदम चेंज होने की ना आप एक जैसे इंस्पिरेशन भी होती है, कैपेसिटी भी होती है, करेज भी आता है, और आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी। बहुत सुंदर, आप हमारे शो पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में, जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ही अगर मुझ आत्मा में परमात्मा का डीएनए है तो कैसे मुझ में वो शक्ति या ऊर्जा आ सकती है जिससे मैं इस बात को अपने जीवन में एक रियलिटी के रूप में प्रत्यक्ष देख सकूं। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कर्मा? तो इस बारे में अगली एपिसोड में आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।